मेरे को मालूम है कि बोर्ड में बड़ा बोर्ड है, आप समझे ना, तो यू कैन यूकेलिप्टस, मैंने आपको मेथड में बताया, राइटिंग में मानते हैं तो राइटिंग में किसमें मानते हैं, जीआर में मानते ना, जीआर वेग है, आप समझ रहे हो ना, ट्रेनिंग का डेफिनेशन और गवर्नमेंट का मांगने जाएंगे गवर्नमेंट देगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कंफ्यूज है, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा ट्रेनिंग क्या है। कल को आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि मेरे को ये समझ में आया था कि यू आर ट्रेनिंग एमटीपी की टैबलेट, मेरे को ये समझ में आया था यू आर ट्रेनिंग को, उस पे गैरिंग भी है, बीएमएस पे गैरिंग भी है, और उनका जीआर की कॉपी से के एडवांस कोर्सेज आर अलाउड टू देम, दे आर ट्रेनिंग एडवांस कोर्सेज, तो मुझे समझ में आया कि एमटीपी की उनको देना है, मुझे समझ में आया वीआरआर को देना है, और देने के बाद मुझे अरेस्ट हुआ, आप समझे नहीं, मैंने क्यों दिया, तुम्हारा जीआर बोलता है कि एडवांस असेसमेंट, आपने पेपर दिया था उसका, इंडियन मेडिकल काउंसिल सेंट्रल सीसीआई बोलता है कि एडवांस असेसमेंट, जीआर बोलता है कि दे आर ट्रेंड एमडी गायनिक एमडी एनेस्थेटिक एमबीए एमडी बीएमएस एमडी, और हमने उसको समझा और हमने दबा दिया और हम अरे सुन, तो हमको ये समझाओ कि इन व्हाट यू आर ट्रेंड, अब इसका आंसर थोड़ा सा देखो, आप समझ रहे हो क्या होगा, तो क्या करेंगे वो ट्रेन का आंसर ढूंढने के लिए मिनिस्टर के पास जाएंगे, मिनिस्टर बोलेगा एक महीने अंदर, यहाँ आप बताओ ये करके देखो, मैं आपको बोलता हूँ करके देखो, और इससे आगे कुछ होता है ना, मेरा नंबर भी वहाँ के रख सकते हो, नंबर आप उधर से पार्ट दो, कोई नंबर भी दे दो, पार्ट भी पार्ट दो, थोड़ा सा आप लोग जरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, कुछ इधर 9323 लिख लो, 9323 सभी को मिलेगा, जिसको कार्ड नहीं मिला ले लेना बाद में, 9323 44 63 9323 44 63 9323 44 63 जिनको कार्ड नहीं मिलेगा बाद में ले लीजिएगा, कार्ड सब ले लेना, तो अगर आपको अगर कहीं भी कुछ तकलीफ आती जस्ट फोन मी, विल सी दैट विल बी रेस्क्यूड आउट, किसी भी सिचुएशन में आप उसे तो फोन कर दो, देखो ये एक्टिविटी सबको करना है, मैं जैसे करा करना है, 15 दिन में खत्म हो जाएगी, ज्यादा नहीं लगेगा, इसके बाद आप लोग आपके हिसाब से जब निकलोगे, मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि गुरु का ज्ञान तब तक पूरा नहीं होता जब तक गुरु दक्षिणा नहीं होती, ये भी यूनिवर्सल आप साइकिल पूरा होना चाहिए, होना तो हर एक के साथ होना चाहिए, आप तो इनको धन्यवाद दे दोगे, इनको धन्यवाद दे दोगे, इनका प्रोडक्ट और बेचोगे, मेरा क्या, तो मेरा एक दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी, और दक्षिणा क्या है, और ईमानदारी से देना, क्योंकि नहीं दोगे ना तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, मैं नहीं वो बोल रहा, देना क्या है कि जितना कुछ तुम्हें सीखा है अभी यहाँ, उसको यहाँ करके जाना, ये मेरी दक्षिणा, स्माइल सीखा है, एप्रिशिएशन सीखा है, गले मिलना सीखा है, थैंक्स देना सीखा है, माफी मांगना सीखा है, माफ करना सीखा है, गिफ्ट देना सीखा है, इधर तो गिफ्ट नहीं दे सकते, बाद में देना, लेकिन बीबी को जरूर देना है, और बीबी को देने को शर्म आ रही है तो बच्चे को जरूर देना, आप समझे ना, तो यहाँ करके तो वही जब एक्टिविटी करूँगा तो आप यहाँ से निकलोगे बाहर, तो वो एक्टिविटी चालू कर देना सर, क्योंकि मैं उनको करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बैरियर तोड़ना है, वो बैरियर हिच, वो हिच यही तोड़ सकते हो, बाद में नहीं टूटेगा, मेरे सामने टूट जाएगा, क्योंकि अभी आप पॉजिटिव इमोशंस पे हो, इस पर टूट जाएगा तो घर पे डिफिकल्ट नहीं जाएगा, तब लाइफ में डिफिकल्ट, यहाँ नहीं तोड़ोगे तो बाहर डिफिकल्ट जाएगा, तो उसको यही तोड़ के जाना, करना क्या है,
इधर ही खड़े रहेंगे, इधर ही खड़े रहेंगे, यहाँ से इतने जाना है, वहां से इतने निकलना है, यहाँ से इतने आना है, यहाँ से इतने निकलना है। अब एक ही जगह डालना डस्टबिन तो नहीं है, लेकिन एक बॉटम ही डालना, एक बकेट उधर है नहीं, लेकिन एक जगह पे टाइम लग जाएगा, इसलिए दो जगह का। अब मैं इसका साइज बताता हूँ, ध्यान से सुनो, तुम कर लोगे। मैं बिगर साइज का डॉक्टर हूँ, उसमें बिगर साइज का कुछ काम नहीं करता। मैं आपको इसका साइज बताता हूँ, इससे 100 का गलत करेंगे। चार पाँच साइंस में हर चीज का एक बर्निंग पॉइंट है और बर्निंग पॉइंट के हिसाब से चलता है। कॉटन का बर्निंग पॉइंट है 40 डिग्री। 40 डिग्री के ऊपर जब वो जाता है, बर्न तो होएगा 20 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, लेकिन जब तक वो 40 डिग्री क्रॉस नहीं करता और चढ़ के नहीं देता, और 40 डिग्री क्रॉस होने को कम से कम उसको 5 सेकंड लगते, 3 से 5 सेकंड लगते। और आपके यहाँ गर्मी में टेम्परेचर कितना रहता है? 48 से जलते हो आप, लाख में 48, तो 40 से जलोगे आप, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये आपको जलाता नहीं, इसीलिए खाई नहीं करना। करना क्या है? बहुत सिंपल है, बायोमैग्नेट से करना क्या है, बिल्कुल खाई नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको जो साइंस बताया ध्यान से रखना, ये जब हाथ में हो ना, डरना नहीं, आराम से मुंह में जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलती वो इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। आप समझ गए? तो तैयार हो? Are you ready? अब इसको मैं कराऊंगा साइंटिफिक वे में, ऐसे कराऊंगा। और ये जो साइंटिफिक वे में कराने जा रहा हूं ना, ये एक्टिविटी नहीं है, मैं आपकी लाइफ बनाने जा रहा हूं। ये जो कराने जा रहा हूं ना, ये जिंदगी में जिस वक्त भी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़े ना, ये करना जो मैं करा रहा हूँ, पॉटन तो नाम के लिए, लेकिन कराने जा रहा हूँ ना, ये एनएलपी साइंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस, प्रूव्ड साइंस। कि कभी कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कभी डर रिस्पेक्ट को मिलने जा रहा हूँ, कभी किसी बड़े आदमी को मिलने जा रहा हूँ, कभी किसी, तो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जहाँ डर हो ये एक्टिविटी करके निकलना। आप जब जाओगे ना, तो आपका जाने का तरीका आपके चाल सब बदल जाएगा। लेकिन करना बहुत अच्छा है, करना क्या है? सीडी डीवीडी डेमो करना होता है, करना होता है, करना क्या है? वो छोटा टेबल, वो कौन सा? जिस वक्त तुम बोलो उस वक्त खड़े होना है और विजुलाइज करना है अपने आप को एक सर्कल के अंदर, कल्पना करना कि आप एक सर्कल के बीच में खड़े हो, और उस वक्त आपको अपनी जिंदगी के एक पल को याद करना है जिस पल में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। आपको अपनी जिंदगी के एक पल को याद करना है जिस वक्त आप बहुत खुश थे। ऐसी जिंदगी में कई पल आए होंगे, पहली बार आपको डिप्लोमा की डिग्री मिली होगी, पहली बार मेडिकल स्टोर खोला होगा, पहली बार कुछ बड़ा काम हुआ होगा, मतलब एक ऐसे पल को याद करना है जिस वक्त आप बहुत खुश थे, लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे थे, लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, लोग आपको हाथ मिला रहे थे, लोग आपको गले मिल रहे थे, उस पल को याद करना, आंखें बंद करके एक पल सोच लो कौन सा है। अगर कोई भी पल याद नहीं आए तो शादी शुदा लोग अपने शादी के दिन को याद कर सकते हो, आज के नहीं, और जो शादी शुदा नहीं है वो इनके आज के दिन को याद कर सकते। मतलब सिंपल है कि अपने जिंदगी का एक पल, जिस वक्त यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप समझ रहे हो ना, उस पल को याद करना है और बहुत खुश होना है। मतलब आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्शन कैसा बन जाता है? जी टीवी लगाओगे तो जी टीवी आती है, स्टार टीवी लगाओगे तो स्टार टीवी आती है। कहाँ से होता है? फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होती है। एफ एम 91.7 लगाओगे तो क्या होता है? फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होती है, एनर्जी। तो मैं उस पल की एनर्जी को अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, इस पल में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जब आप उस चीज को याद करोगे और उस पल को लिटरली विजुलाइज करो, एक पल सोच दो और उसको जब फील करोगे, फील, तो यू विल बी कनेक्टेड टू दैट। और जब आप पीक पे आ जाओ और जब मैं आपको 1 2 3 बोलूं, तो जोर से यस बोलो, यस आपका स्विच है।
So you will be connected to that. And us work, you will be naturally confident because you were confident. उस टाइम का कॉन्फिडेंस वो आपको इस वक्त मिलता है और फिर आके आना करना पॉजिटिविटी में हो और आप सब एक सोल हो, इसीलिए